आप सबका जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से उसके तत्वावधान में इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करता हूं। हमारे विशेष यहां पर अतिथि जो मौजूद हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर विभाग की स्टेट की जो मुखिया हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और श्री गौरव अंतिल डॉक्टर किरण सिंह जो कि एचएएस अधिकारी हैं, प्रमुख रूप से यहाँ की जिम्मेदारी संभाले में उनका खैर मकदम करता हूँ, और मैं कलाकारों का खैर मकदम करता हूँ उसके साथ शुरुआत करता हूँ। आइए सबसे पहले बाली शर्मा उनके साथ ही आपके सम्मुख होंगे एक स्टार्ट के साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बम लहरी के साथ, महावीर गुड्डू उनके साथ ही वो आ जाएंगे सबसे पहले। बम लहरी, महावीर गुड्डू जो अमेरिका में भी धूम मचा चुके हैं, भारत की संस्कृति को लेकर लंदन में जा चुके हैं, वो महावीर गुड्डू। I'm
भी बड़ा खुशगवार है, बड़ी हल्की सी ठंड भी है और थोड़ी हवा भी चल रही है, लेकिन आपका उत्साह देखते बनता है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इन कलाकारों के लिए। शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बम लहरी के बाद, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो शिवमय है और करीब 360 तीर्थ हैं हरियाणा में भगवान शिव के, और उन तीर्थों में, उन टेम्पल्स में, उन मंदिरों में जहाँ आस्थाएं और विश्वास जगमगाते हैं उसकी महिमा अपरंपार है। 48 कोस के क्षेत्र में भी 360 तीर्थ हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। आइए ले चलते हैं बाबा आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उस टाइटल सॉन्ग की तरफ, जिसमें आप देखेंगे एक झांकी सांस्कृतिक कला और उसके दृश्य को, वो दृश्य जो दृश्यवान हो उठता है, वो संसार जो सत असत रज में बसता है उसको हम इसमें दिखाएंगे। गीता जयंती के टाइटल सॉन्ग को लेकर आपके बीच में आए हैं बहुत जाने माने कलाकार हरविंदर राणा और उनके साथी। बुद्ध राम जी, इससे पहले कि ये कार्यक्रम हो, बुद्ध राम जी हमारे जाने माने कलाकार हैं अम्बाला से, वो अपने लोक नृत्य के साथ हम सबके सामने आ रहे हैं। लोक नृत्य जो कि हमारी दादी परदादी सरदादी गाती थी बजाती थी, और गांव के जो कुएं और पनिहारियों का जो दृश्य था वो लोक नृत्य उसमें झलकते थे, आज ये विलुप्ति के कागार पर हैं। हरियाणा में बहुत से गाँव शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम पर आधारित हैं, चाहे वो जय जय बंती है जिनमें पिल्लू खेड़ा है, रामकली है, कितने गांव हैं। उन्हें थाटी को याद करते हुए हरियाणा का जो लोक संगीत है जो कहरवे में मुख्य रूप से बसता उठता है उसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच में एक लोक नृत्य। बुद्ध राम जो हमारे जाने माने कलाकार हैं अपने नृत्य दल के साथ हमारे सामने हैं लोक नृत्य।
लोक नृत्य की धूम जिसे प्रस्तुत कर रहे थे बुद्धराम और उनके नृत्य दल। और अब ले चलते हैं आपको टाइटल सॉन्ग की तरफ, जो गीता जयंती का टाइटल सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत, जिसमें गीता जयंती वास्तव में है क्या और क्यों हम गीता जयंती मनाते हैं, क्या तत्व हैं ऐसे गीता के जो हमें ये सार बताते हैं जिंदगी का कि कैसे हम जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इस आइटम को लेकर आ रहे हैं हरियाणा के जाने माने कलाकार हरविंदर राणा और उनके साथी। के जिला प्रशासन के जिन्होंने हरियाणा के सभी कलाकारों को मौका दिया। सूचना एवं जनसंपर्क व सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग हरियाणा के द्वारा गीता जयंती महोत्सव के इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आइए हम आपको लेकर जाते हैं गीता जयंती के अध्यक्ष Hey
आइए गीता जयंती महोत्सव को मनाते हैं और गीता जयंती का टाइटल सॉन्ग हम गीता जयंती के इस पावन बेला पर आप सबको सुनाते हैं।
चाहिए, इतनी जोरदार नहीं बजी, जरा फुक्कड़ में से हाथ बाहर निकाल लो, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बहुत ही अच्छा लगता है ये कहते हुए कि ये जो कार्यक्रम आपके सौजन्य से हम दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसमें आप इसके साक्षी हैं। इसे हमारी श्रीमती रेणु जी जो कि मुख्य अधिकारी हैं कला और संस्कृति विभाग की, और हमारे जो कल्चर ऑफिसर हैं श्री शिव कुमार जी शर्मा, मैं उनका बहुत बहुत मशगूल हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा डिजाइन किया इस प्रोग्राम को। और अब आपको ले चलते हैं हम बहुत ही शानदार रागनी की तरफ। रागनी क्योंकि हरियाणा की जान है, कोई बात बहुत रसीली कहनी हो या दिल में उतारनी हो या ये बताना हो कि मैं कौन हूँ, उसका परिचय रागनी है। हेलो, और ये रागनी लेकर आ रहे हैं श्यामलाल जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, हमारे जाने माने कलाकार श्यामलाल जी वो आपके सम्मुख होंगे और फिर महावीर कुटू जी एक बार फिर आएंगे आपके बीच में। सबसे पहले तो तमाम मेहमानों और मेजबानों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। तो प्रेमी सजनों, प्रोग्राम हरियाणा में है और हरियाणवी रागनी ना गाई जावे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक हरियाणवी रागनी के जिसमें क्या बताया गया है कि जो भी इंसान धरती के ऊपर आ गया ना, तो एक न एक दिन उसने ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में यही किया है, यही कहा है कि बंदे मेरा मेरी मत कर, तू कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, फल देना मेरा काम है। क्या बताया गया इस रागनी के द्वारा? थोड़ा डिले डाल दो जी, इस माइक में डिले। किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। कैसे हेरी मत न्यारो है जननी सबने, एरी एक बार मरना से री। एरी जित राजा अन्यायी हो उड़े जी कह के करना सैरी, मत न्यारो है जननी सबने, एरी एक बार मरना से परगने, हेरी चक्कर विभूषे गिले गए, हेरी महल अटारी तला बावड़ी मट्टी के मां मिले गए, कुंभकर्ण अही रावण रावण हेरी चक्की के मां लड़े गए, आत्म देहने जन्म धार के, आत्म दिन जन्म धार के, हेरी पेट खदा भरना सैरी, जित राजा अन्यायी हो उड़े जी के करना सैरी।
क्या बताया कि भगवान ने भी जब इस दुनिया में अवतार लिया था ना, तो उनको भी एक दिन स्वर्ग से डालना पड़ा था। ये तो जन्म मरण का चक्कर है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम। क्या बताया बोला, हेरी स्वंभ मनु उतान पात रहे ना दुनिया में। पैदा सो न पैद मात के, पैदा सो न पैद मात के, थकी पैदरना सैरी जित राजा अन्यायी होड़े जी कह के करना सैरी। छिक छिक बेर खान दिमा एरी मत ना रोवे दिल टूटा सा, मत ना रोवे दिल टूटा सा, गट जाए रहान दिमा जिस जगह मेरा बाप गया आज उसे जगह जान दिमा। एरी मंगेरा कर्म करे ते मंगेराम शुभ कर्म करे ते हेरी भवसागर तरना सैरी जित राजा अन्यायी होड़े जी कह के करना सैरी। मत ना रोवे जननी सबने एक बार मरना ये थी रागनी, इसे बहुत ही जाने माने कलाकार श्यामलाल प्रस्तुत कर रहे थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं। उस कुरुक्षेत्र में परम सरोवर के पावन तट पर जहाँ चारों तरफ भारत के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं कि करीब 300 शिल्पकार अपनी अपनी कला के नमूने लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और इस खुली फिजा में जो रौनक यहाँ पर दिखाई पड़ती है, ऐसी पूरी भारत में कहीं नहीं दिखाई पड़ती। आइए ले चलते हैं एक और फिर रंग की तरफ, संस्कृति का वो रंग जिसको आप बार बार देखना चाहते हैं। महावीर गुड्डू एक नया नाम नहीं है, 25 वर्ष से हम एक दूसरे से बहुत गहरे दोस्त हैं। वो पिछले दिनों अमेरिका इंग्लैंड में भी हरियाणा की संस्कृति को लेकर गए। उनका मिजाज थोड़ा मस्करी से भरा हुआ है, चुटकुले भी कहते हैं कभी कभी मूड आ जाए तो, लेकिन कभी कभी अपने गीत में बहुत गहरी बात कहते हैं। और महावीर गुड्डू अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं अपना एक गीत, और आइए उसके बाद हरियाणा के एक जाने माने कलाकार बाली शर्मा को आप सुनेंगे। उसके लिए आप तैयार हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार फिर। हेलो 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 भाई
हेलो सभी को नमस्कार। जयराम जी की जब तो शुरुआत में बंधन था, अब हरियाणा के बहुत बड़े साहित्यकार श्रीवाल जी ने कहा, एक चुटकुला भी सुनाऊंगा उसके बाद आपको बढ़िया गीत, जैसा भी आदेश है सरकार का उसमें बंधन में रह के आपको सुनाएंगे। गजब हरियाणा, और ये खासकर हमारे बूढ़े बैठे ना, ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे, 60 साल के ऊपर के किसी बुढ़े ने छेड़ के देख लियो, बिजली वाला बुला के चेक करके देख लियो, तीनों फैशन पूरा करंट पाओगा। बढ़िया गीत, दूध खा रहा क्या, जी से ले रखे ससुराल में जाते घी बुरा खाते दूध पीते जी सा लिया करते। आजकल नए छोरे का ब्याह है, पहली बार ससुराल में जाओ जब तो रसगुल्ला मिल जाए तो मिल जा, दोबारा जाओ तो काकड़ी काट के दर्दे बटे सलाद खा ले। इनके नाम कमाल, बर्थू करदाला मोलड़ मांगे रामदारी धारा सिंह करतार सिंह, ठाडे ठाडे आदमी, मोटे मोटे खोए मोटी मोटी पट्टे, नाम से पता लगता था। आजकल सुरेवाल साहब चिंटू निंटू टीटू टोमी गुड्डू नू नहीं पता लगता, बड़का के नाम है कुत्ते पिलूरिया के नाम धरती है, बड़ा परिवर्तन हो। इन छोरिया के नाम होया करते पहले बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां, नाम हरते पताशो, नाम से पता लगता बड़ी सुंदर सी बड़ी क्यूट सी लेडी होगी। अब ये भी मॉडर्न हो गए, अंग्रेजी में बड़ी भी पताशो ना स्वीटी कहने लग गए, गुलाबों ने रोजी कहने लग गए, सुनहरी का गोल्डी हो गया, पिलपिले पिलपिले बड़का ने पप्पू कहने लगे, सनकले सनकले सन्नी कहने लगे। ये नया परिवर्तन है। आजकल चिकन गुनिया का प्रभाव है, बुढ़िया का चिड़िया मलेरिया पड़ी पड़ी कम लग रही है, बुढ़े ने घर के सारे सोड़ गुदड़े दरी गदले खरड़ तरपाल भी उड़ा दिया, चाटा फिर भी नहीं उतरिया, फिर लगा गाल देने नबला छोरे हो तारा नाश होगा, अरे चार मरे छोरे चार मरे बहु छोरे की अठ नौकरी लाग रे, तुम तो सवेरे टिफिन ठाटा भाग जाओ करते हैं, जय तारी मां मर की तारी हो गई ब्रांड माटी, मर लो डॉक्टर के लो जी गए छोरे डॉक्टर के भागे, डॉक्टर था नहीं कंप्यूटर दारू पिए पड़े असिस्टेंट उसका इलाज लू के ठाया, नबला कहां गए डॉक्टर साहब मेरी मां कमली रहती रहो टन मेरे टन टन करो मेरा छल्ला टाओ मलेरिया कहला तो डॉक्टर से भी अच्छा करूंगा। लो जी छोरे बाजे पछे पछे डॉक्टर भाज रहा गणी दारू पी रहा, एक चप्पल किते पड़ गई एक चप्पल किते पड़ गई, बांगे बांगे पांच टकन चुकर तुरंत का काटड़ू की टिकिया कर नहीं चल रहा। अब लो जी पहुंच गया थैला खोलिया शिपरेट खत्म, डॉक्टर फोआ भर के ला कर सुआ लाने पलिया शिपरेट खत्म, परेशान हो गया दारू में छाप नहीं आया, कड़ेगी कुनेन कड़ेगी शिपरेट। अब लो जी नशे में पता लग गया थैले में एक पेट्रोल का पौआ पड़ा था, अब परेशान होके भर के पूरा पेट्रोल का सुआ और ला दिया बुढ़िया गए, इब लागते पेट्रोल का सुआ उठी बुढ़िया और खकाटा उठा, आगा गए बुढ़िया पछे पछे छोरे, 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 ढांड जागी थाई। इतने में शराबी की दारू उतरगी, बोला ताऊ गड़बड़ होगी मेरी ताई का तो पेट्रोल का सवाल लग गया, ने बोले फिर तो मरेगी भाई डॉक्टर साहब, ने बोले ना जी मरती है नहीं फिर चरमराट 4 दिन मचेगा। ले छोरे पकड़ के ने बोले बापू चाला हो गया क्यों हो यार, ने बोले मेरी माँ 20 किलोमीटर भाजी, अरे बोले झूठे हो ये तो बाथरूम भी को नहीं जा सकती 20 किलोमीटर की झूठ बोलो, ने बोले बापू यू तो चाला है देख लिया बूढ़ी और हम जवान है फिर भी आप छाई नहीं खकट उठ रहा के पुलिस वाले बैरियर ला रहे थे, मैं थानेदार ने बोले अरे रे मेरी मां ने ये तो थानेदार ने पकड़ के मारती दी है, फिर आशा बुढ़ा इन्हों तो बेरा था पेट्रोल भी इतर जा लिया 20 किलोमीटर का चक्कर होते खिल के ने बोला चौखा रहे इंजन में से पुराना हो रहा हो फिर एवरेज भी पूरी कर दे तुम्हारे इन बुढ़े गए ना गजब की एवरेज है। मैं बड़ा पुराना फैक्ट्री का सुनाता है, वकील की ताऊ की खिंचगी, वकील बोले मैं सेना बुढ़ा, बोले मैं सेना, वकील बोला ताऊ मैं पढ़ रहा हूँ, बुढ़ा बोला मैं कट रहा हूँ, जितने दिन तुम कोर्ट में बैठते हो गए इतनी तो मेरी पेशी लाग ली और जितना तुमने सारी जिंदगी में चून खाई इतना मैं नून खा गया। अब ले जी वकील को गुस्सा उठा, कोई वकील बैठा तो बुरा ना मानियो और बुरा मानो तो मेरे सवाल का जवाब दे दियो जो बुढ़ा ने पूछा था। अब वकील का गुस्सा उठा ने बोला ताऊ अभी पता लग जाएगा, 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 3 मेरे से पूछना, अगर आप मेरे सवालों का जवाब तो दे दोगे
आपको 100 रुपए इनाम दूंगा, ना तो 5-5 रुपए जुर्माना दे दियो। फिर आप पूछोगे, अगर मैं आपका जवाब तो दे दूं तो सिर्फ 5-5 रुपए इनाम दे दियो, ना तो 100 रुपए जुर्माना दे दूंगा। बूढ़े ने सोचा दाल फ्राई का खर्चा तो लेकड़ा ही लेकड़ा वकील में। यू बोला ताऊ तू पूछ, बोला ना भाई तू छोटा पहला तू पूछ। नु बोला ताऊ दो भाइयों का लठ बाजा सिर फूट गया, खुन्नम खुन्ना हो गया, कुर्सी धारा लग गई। ने बोले मन नहीं मेरा धारा का, धारा तो चेत लाओगा वकील, चे लाओगा थानेदार, मैं तो धार कट सकू हूं। किसी कड़वल तो कड़वल भैंस हो, सुसरी का टोपा टोपा छुआ दू, मन नहीं मेरा, ले 5 रुपये। वकील ने 3 सवाल पूछे, बुढ़ा 15 रुपए जुर्माना दे गया। फिर ने बोला करड़ा हो जा वकील साहब, नंबर मेरा। ने बोला पूछता हूं, ने बोला ऐसा जनावर का नाम बता दे जो आसमान में उड़ जा, एक पांव धरती में क्या रह जा और दूसरा शकर में चढ़ जा। ये भी सा जनावर वकील ने निथ्या रहा, ये सा तो अब तक डिस्कवरी वाले का निथ्या लिया वकील बेचारा, कितने तो हुआ था सोच साज के। ने बोला ताऊ नहीं पता, ने बोला नहीं पता तो काट 100 रुपये। ये वकील ने शरमाता शरमाता ने 100 रुपये पकड़ाए, बुढ़े ने पकड़े जेब में डालने लग गया। अब बुढ़े की इंटेलिजेंस ही यहां शुरू होती है, जेब में डालने लग गया। वकील ने बीच में हाथ पकड़ लिया, नहीं बोले नहीं ताऊ ऐसे नहीं, पहले इस उत्तर इस सवाल का उत्तर दे दे, 100 रुपये फिर जेब में डालिए, काट के 5 रुपये। ने बोला ले मेरा मन भी कोने, आइए इन्हीं को समर्पित है हरियाणा का गीत हम सुनाते हैं। ये हरियाणा की धरती, ये पवित्र धरती, कमाल की धरती। नहीं तो आप गीता जयंती में आए हैं रोला हस्तनापुर का, और कृष्ण जी ने बोले हरियाणा में लड़ांगे। कहां के मान्य मराठे कितका मनसब दली ने बोले हरियाणा में लड़ांगे, क्योंकि ये वो धरती है जहां पर हमेशा योद्धाओं को, यहां पर अगर कोई मर भी जाता है तो भी सीधा स्वर्ग में जाता, कृष्ण जी ने व्यवसाय कहा है। आइए चार स्टेंजे छोटे छोटे, एक किसान का, एक फागण का, एक सामण का और एक वीरों का, चार स्टेंजे में आपसे रूबरू करता। आइए मीठे हरियाणा की बात करें, बजाओ भाई।
ये थे महावीर कुट्टू, जाने माने हरियाणा के कलाकार जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की संस्कृति कला को लेकर बहुत प्रचार प्रसार किया है। और ये वो धरती जहाँ वीरों की धरती ये कहलाती है, कला और संस्कृति की भूमि कहलाती है, जहाँ सरस्वती के किनारे अनेकों गांव भारतीय शास्त्रीय संगीत उनके रागों के नाम पर आधारित हैं, वो हरियाणा जिसमें पूरे देश में हर दसवां सिपाही फौज में हरियाणा का है। और जब गीता की हम बात करते हैं तो गीता से बहुत से जो तत्व हमारे सामने आते हैं, जैसे हम बात करें निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का है प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो परम आत्मा का प्रकाश। जाहिर है गीता ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है जिंदगी के लिए, कितना जरूरी है मानवता के मूल्य के लिए, ये बताएंगे। सुन गीता का ज्ञान टाइटल एक सॉन्ग है, गीता का ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं अरविंद राणा उनके साथी, और उसके बाद बाली शर्मा तैयार रहेंगे जाने माने कलाकार। हेलो देवियों, सज्जनों, बुजुर्गों, सभी अधिकारीगण, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और हरियाणवी अंदाज में हम आपके सामने प्रयास कर रहे हैं प्रस्तुत करने का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं और वो संदेश भगवान के द्वारा न केवल अर्जुन को दिया गया बल्कि समूचे मानव जाति को दिया गया, तो आइए सुन गीता का ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार मोह माया है, तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस विषय को लेकर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और क्या कहते हैं। मैंने ही अवतार लिया, भव सागर में घिरा जो मानव मैंने ही उसे पार किया। मैं ही हूँ बाहर जग के, मैं ही तो भीतर हूँ, तू ढूंढता है जिसे देवालय में, मैं तो बैठा घर घर हूँ, मैं तो बैठा घर घर। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत जान सका है लोग कहे गई जा।
इसे अपने आप में समर्पित कर दो, यही जीवन का सही रास्ता है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। मैं ही तीनों लोक में अर्जुन शक्ति बनकर छाया हूँ। पांच तत्व 25 पर करती जड़ चेतन की काया हूँ। मैं जड़ चेतन की काया हूँ, मैं जड़ चेतन की काया हूँ। मन इंद्री और तीन शरीर मैं ब्रह्म के बीच समाया हूँ। मैं ब्रह्म के बीच समाया हूँ। मैं ही तीनों लोक में अर्जुन शक्ति बनकर छाया हूँ। पांच तत्व 25 पर करती जड़ चेतन की काया हूँ। मन इंद्री और तीन शरीर मैं ब्रह्म के बीच समाया हूँ। मेरा दर्शन सुन समाधि तुम कर कह देखो ध्यान सका तुम कर कह देखो पर आया है। तो पल का रैन बसेरा है, ये सब मोह माया है। बदले ये सब मोह माया है। आया था केले जागा के या कहने खोया से के तेरा जो चला गया तू क्या की खातर रो रहा है। क्या की खातर रो रहा है। जो हो रहा सही हो रहा है, जो होगा और जो होया है। के तेरा जो चला गया तू क्या की खातर रो रहा है। जो हो रहा सही हो रहा है, जो होगा और जो होया है। अपने हाथा फसल का जो बीज कर्म का बोया है। अपने हाथा फसल काट जो बीज कर्म का बोया है। जिसा करे युस फल मिल जाता कर्म यहाँ पर धान सका है। कर्म यहाँ पर धान बाण प्रत्यंचा मैं सू लागे जड़े निशाना मैं। ईमानदार का ईमान बनो सो कप के जड़े निशाना मैं। ईमानदार का ईमान बनो सो कपटी का बेईमाना मैं। कपटी का बेईमाना मैं। निर्धन की निर्धनता मैं तू धनी का बनो खजाना मैं। मेरा बिना कोई कर्म नहीं और कर्म का बनो बहाना मैं। मेरा बिना कोई कर्म नहीं और कर्म का बनो बहाना मैं। निराकार साकार जगत मैं कण कण के मैं जान सका है। कण कण के मैं जान सब मिलकर गीता के उपदेश को सुने। आज हम सब अपने घर घर में गीता के ज्ञान को पहुंचाएं और गीता के ज्ञान का स्मरण करें, गीता को ध्यान करें, गीता को याद करें और गीता ज्ञान का अलख घर घर में जगाएं। भक्ति योग ध्यान गीता में जगते बढ़ना सीख मिले। निमन सदरते गीता के मैं शिखर पर चढ़ना सीख मिले। निमन सदरते गीता के मैं शिखर पर चढ़ना सीख मिले। भय को त्याग फरज की खातिर जगते लड़ना सीख मिले। जन्म मरण और आवागमन का गीता के मैं तोड़ मिले। गीता ज्ञान ते जीवन के हर मोड़ पलटना सीख मिले। गीता की कृपा से जीते सभी जगह इंसान सका है। सभी जगह इंसान सुन गीता का ज्ञान।
इससे पहले कि कार्यक्रम का मुख्यतिथि संपन्न करें, हमारे बीच बहुत जाने माने कलाकार हैं बाली शर्मा और उनके साथी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो अपना एक जो रागनी है वो अपने आपके सम्मुख रखें। बाली शर्मा और उनके साथी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि हरियाणा के सतरंगी जो रंग है वो आपके सामने आ रहे हैं, संस्कृति के, जिसे बेहद खूबसूरती के साथ कला और संस्कृति विभाग के सौजन्य से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत मशगूल हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि कला संस्कृति विभाग और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से हम ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। बाली शर्मा उनके साथी। सिर्फ 2 मिनट हैं जैसे आप चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अगले कार्यक्रम की तैयारी है। महावीर गुड्डू आ जाएं एक बार के लिए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। सिर्फ यही ले लो, इतना आते हो आप, ले लो एक चुटकुला बहुत छोटा सा, जो एक मिनट में समाप्त हो जाए। राणा तो आप जानते ही हो, आप ही हंसपड़ो तो बहुत कुछ है। धन्यवाद धन्यवाद। जब तक बाली जी की सेटिंग हो, आधे से एक चुटकुला सुना दूं, फिर लंबा सुनाऊंगा जी। चुटकुला सुनाऊंगा एक, लेकिन वो मेरी मर्जी कितना लंबा सुनाऊंगा। चलो ये चुटकुला माननीय सज्जनों, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, देखना भी पड़ेगा। एक आकड़ा आदमी पान की दुकान पर चला गया, जाके ने बोला भाई साहब ये पप 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 पान की दुकान है। उसने कहा जी पान की दुकान है, जो मीठे पान पर गुलकंद लगाते हैं उसकी जरूरत थी। ने बोला अगर ये पान की दुकान है तो आपके पास तो गुक 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 वो गैप अटक गया। अब अकेले अटक जाते हैं, वो गैप अटक क्या करता, उसका बाबू ठैपट क्या करता। जब उसका बापू पहली बार ससुराल गया, उसका ससुरा बोले हाँ बेटा राजी खुशी ठीक ठाक, ने बोले हाँ जी ठीक ठीक ठिक ठिक ठुक 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 ठुक। जीते बार आगे मुंह में जो घूड़ा गए, गिट्टी फूल गई, छाती बंद होगी, जी लिखने लग रहा ठह बना, वो ठह बने नहीं, ठीक ठाक हो नहीं, ने बोले हाँ जी ठीक ठीक ठुक 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 ठुक। उसका ससुरा ने बोले हे भगवान ई भी कमर जमाई के सांस उल्टे बढ़ा दे, आकत मेरी सासु के बराजी खुशी की नहीं पूछूंगा। अब न्यूए वो गुलकंद मांगन लाग रहा, छोरा ने बोले आपके पास वो गु 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 गुलकंद है। पानोला बोला रे भाई साहब गुलकंद तो है, इतना गाढ़ा को जितना तू मांगे। आगे गांव के बाहर गया, पाली खड़ा लठ ले अपनी महशा दो रहे, उससे वो रास्ता पूछने लग गया। नले भाई साहब ये 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 रास्ता कक 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 कहां जाएगा। वो पाली भी आकड़ा था, उसने सोचा यू मानस आकड़ा कौन तेरी स्वाद ले, क्यों सारे उसके आशिक रह कर दे। वो बेचारा दूसरी साइड मुंह करके खड़ा हो गया, उसने फेर का नले मत तेरे से पूछो रास्ता कक 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 कहां जाएगा। पाली का उठा छोड़ नुबला जूं 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 से काम तेरी बे 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 रखी और जा बगायू रास्ता है। अब लोग दोनों का झगड़ा हो गया, पिटम पिटा ऊपरा तली, उसने उसके ईंट मारी, उसने उसका लठ मारा, सिर फुड़ा के चोट खा के थाने में पहुंच गई। जिसका घनी चोट लग रही थी नुबला जी इसने मेरा ईंट मार के मेरा सिर फोड़ दिया। नुबला जी ये मेरे को बहन की गक 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 बहन की गक गक
गाल दे था जी, वो थानेदार साहब बीठा पा गया निबलर तुम न्यू बता तुम्हारी ललंग ललंग लंग लड़ाई किस बात पर हुई। मैं दोनों ने बोले जी मैं तो इससे बात पर हुई थी न बोले फिर लड़ाई की क्या बात है, पता साधु निकले आओ चाहे पानी पिलाता हूँ। जय हिंद सर। धन्यवाद महावीर गुरु जी। और दो मिनट के लिए आपके बीच में आ रहे हैं बाली शर्मा, समय कम है, उनके साथ समापन होगा। हरियाणा के जाने माने कलाकार बाली शर्मा अपनी रागनी के साथ। अधिकारीगण और सभी साथी कलाकारों को बार बार प्रणाम। गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी सम्मानित यहां विराजमान हैं कि जिस वक्त वो पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं, जुए में हारने के बाद हारे हुए जुआरियों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा रही कि दुर्तों का नाश करने के लिए ऐसी उनका एक सभी को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। हम सब मोह के जाल में घिरे हुए हैं और गीता में ऐसा नहीं है, मोह नहीं होता, संसार भी नहीं होता, लेकिन कृष्ण भगवान ने जो कुछ आपके सन्मुख रखा खुद ईश्वर ने नट नागर ने धार्य रूप नहीं, भगवान तो एक ही है। उस प्रतिकामी दूत को बुलाया और कहा रे प्रतिकामी कि हाँ महाराज, जो भी महलों में रानी बनी बैठी है उसको जाकर न्यू के दे, अब वो महारानी नहीं रही, उसके 500 पति राजपाट धनमाल खजाना सब जुए में हार गई। जिसको हम संदेशवाह कहते हैं, हम नौकर भी कह देते हैं, उसको कर्मचारी भी कह देते हैं, सभी जाकर द्रौपदी के सामने रुंधा हुआ गला आंखों में आंसू कि आप शरणों की तरफ झुकिया महारानी नहीं रही। क्यों रे? रे भाई मेरे पांच पति अट्टे कट्टे। तो द्रौपदी गुस्से में हो जाती और एक बात के द्वारा क्या कहती है, कैसे बना मारे ना क्या ये चीज का तोरा
ਕੀ ਬਲਵਾਨ ਨੜੀਨਾ ਰੇ ਕੋਈ ਯੁਕ ਮੱਕਾ ਮੋੜਾ ਔਰ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਨਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਰਹਿ ਹਾਥ ਰਾਜ ਕਾ ਔਰ ਸਭ ਪਰਜਾ ਆਦੀ ਲਪਤੀ ਕੇ ਸਭ ਪਰਜਾ ਆਦੀ ਲਪਤੀ ਕੇ ਇਹ ਸਰਬ ਖਬਰ ਹੋ ਸੇ ਮਨ ਕੇ ਔਰ ਟੈਲ ਕਰਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਕਿਸਨੇ शर्मा उनके साथी अपनी खूबसूरत रागनी के साथ जिन्होंने गीता के ज्ञान को बहुत तरीके से आपके सामने रखा। मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो इजलास है सांस्कृतिक इजलास जिसमें कला संस्कृति विभाग हरियाणा के सौजन्य से इसे प्रस्तुत किया गया और इसको डिजाइन किया था हमारी श्रीमती रेणु जी जो कि मुख्य अधिकारी हैं कला संस्कृति विभाग की और संस्कृति अधिकारी श्री शिव कुमार शर्मा जी ने
और ये पूरी टीम हरियाणा के कोने कोने से आई, जिनको आप दूरदर्शन पर, टेलीविजन, दूसरे चैनलों पर और रेडियो पर देखते सुनते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब मैं आज के इस कार्यक्रम, इस अंक को यहाँ पर संपन्न करने से पहले कुछ दस्तूर होते हैं, इनका निर्वाह करना बहुत जरूरी होता है, औपचारिकताएँ होती हैं। शिष्टाचार के नाते हमारे जिला की जो डिप्टी कमिश्नर हैं सुश्री सुमेधा कटारिया जी, उपायुक्त महोदया, जिनके प्रेरणा और जिनके प्रयासों से इतने खूबसूरत ये आयोजन हो रहे हैं कि यहाँ गीता जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वह कलाकारों का सम्मान करने के लिए मुख्य मंच पर तशरीफ लाएं। उनकी आगवानी करेंगी डॉक्टर किरण सिंह, जो SS अधिकारी हैं, वो कलाकारों को शॉल भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। उपायुक्त महोदया सुश्री सुमेधा कटारिया जी, मैं सबसे पहले जो कलाकारों को अनुरोध करूंगा, श्री महावीर गुड्डू, जो हमारे लोक गायक हैं जाने माने, जिन्होंने अमेरिका इंग्लैंड में हरियाणा की संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया है, और उनके साथ श्री हरविंदर राणा, जो हमारे जाने माने कलाकार हैं, जिन्होंने नई परिपाटी जो है नृत्य की, कला की, और तरह तरह के जो अनूठे प्रयोग कला और संस्कृति में किए हैं उसके लिए जाने जाते हैं। हरविंदर राणा जी वो मंच पर आ जाएंगे। मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मुख्य मंच पर तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से कलाकारों को शाल उठाकर उनका सम्मान करें। आपने कुरुक्षेत्र को जो सेवा दी है, जिससे कुरुक्षेत्र पल्लवित हुआ है, वो पल्लवित हुआ है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गीता महोत्सव मना रहे हैं, और बहुत ही कर्मठ हमारी उपायुक्त महोदय जो दिन रात एक करती हैं इस सारे कार्यक्रम को जिस तरह से रचा गया, बनाया गया। हरियाणा के जाने माने कलाकार महावीर गुड्डू, जिन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका में हरियाणा की संस्कृति को चार चांद लगाए, मेरे पुराने साथी हैं सफ़ेदों से, और श्री हरविंदर राणा, वो भी दोनों ही जींद जिले के हैं, जींद जो के जहाँ 71 गाँव जो हैं वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम पर हैं, शाल उड़ाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। मैम एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हम सब। मैं सुश्री सुमेधा कटारे से अनुरोध करूंगा कि वो हरविंदर राणा जी को भी एक शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। जाने माने कलाकार जिन्होंने कई अनूठे प्रयोग किए हैं, साथ में हमारे श्री शिव कुमार शर्मा जी, रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाओं के साथ ये कार्यक्रम विधिवत, ये अंक संपन्न होता है। उपायुक्त महोदया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अधिकारियों का भी। मैं जितने भी इस समय पंडाल में बैठे हुए दर्शक श्रोतागण हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया करके पंडाल आप खाली कर दें, क्योंकि अगला प्रोग्राम थोड़ी देर में होगा, आपको दोबारा आमंत्रित किया जाएगा। एक बार इसको खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी चेक हो सके। आपका सहयोग, आपका अनुशासन देखते बनता है, बहुत अच्छा लगता है आप हमें जब सहयोग करते हैं। थोड़ा देर आप बाहर इंतजार करेंगे तो मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा इस स्थान पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमें सहयोग कर रहे हैं। ये प्यार, ये स्नेह आपका इस तरह मिलता रहेगा, निसंदेह हम बहुत अच्छे कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आएंगे। आप तत्काल जो है इस पंडाल को खाली कर दें, और कोई सामान इसमें छोड़े नहीं, अपना सामान भी साथ उठा लें, सीट पर कोई भी सामान न छोड़े। थोड़ा समय सिक्योरिटी चेक के लिए चाहिए, उसके बाद हम आपको आमंत्रित करेंगे, फिर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर जय श्री कृष्ण। अब कितने बजे का?